है रायबरेली में और हमारे साथ हैं रायबरेली के प्रभारी मंत्री कैबिनेट मिनिस्टर उत्तर प्रदेश सरकार नंदकुमार नंदी जी। हम उनसे जानेंगे आज के बारे में। सर स्वागत है एटीवी से बात करने का। एक दिल्ली में संत सम्मेलन चल रहा है जिसमें आज एक बयान आया है रामविलास वेदांती जी का कि वो 6 दिसंबर से आगामी मंदिर निर्माण चालू कर देंगे और ऑर्डिनेंस का भी इंतजार नहीं करेंगे। इस पर क्या प्रतिक्रिया है? ये प्रक्रिया क्या बताएं, अब आज हम लोग तो यहाँ पर और कांग्रेस मुक्त भारत की मैं यही कहूँगा कि हिंदुस्तान में रहने वाले मन में राम है, मन में राम है और रोम रोम में राम है और भगवान राम के मंदिर करने में आपने देखा कर रहे हैं। चाहे कांग्रेस वरिष्ठ बल रहे हों चाहे जो रहे हों, वो टाइम मांग के लिंगर ऑन करने का काम करते हैं और आगे बढ़ाने का काम करते हैं या आगे बढ़ाने की सोच रखते हैं। लेकिन मैं उन्नति होगा और सिर्फ समाधान तक सीमित रहेगा कि जो 6 दिसंबर को डेट मान ले हम, जो संतों ने कहा है 6 दिसंबर से मंदिर निर्माण चालू हो जाएगा। देखिए ये तो कानून का विषय है और बाकी भारत में रहने वाले हर हिंदुस्तानी नहीं। मंत्री जी एक बयान और आया था कि स्टेचू ऑफ यूनिटी से बड़ी होगी भगवान श्री राम की प्रतिमा जो स्थापित होगी, इसमें बता देना। भगवान राम से बड़ा इस दुनिया में कोई नहीं है। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। ये जय श्री राम। ये थे हमारे साथ मंत्री नंदगोपाल नंदी जी जिन्होंने बताया कि उम्मीद करते हैं कि जल्द से जल्द फिर से अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण चालू हो। ईटीवी भारत के लिए प्रणव कुमार।